नमस्कार दोस्तों, शशांक नीरज टारगेट एजुकेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम लोगों ने क्रम से पॉलिटी के बहुत सारे लेक्चर्स को देखा है, जो हमारे पॉलिटी की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाएंगे, पॉलिटी सर्च करेंगे तो आपको क्रम से सारी पॉलिटी की वीडियोज़ मिल जाएगी। आज इसी क्रम में हम लोग पंचायती व्यवस्था की बात करेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन के तहत आई, किस भाग में है, किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है, कैसे इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, इन सब पर हम लोग विशेष परिचर्चा करने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं बिना देर किए। संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 क से लेकर अड़ के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया। याद रखिएगा किस भाग में है पंचायती राज व्यवस्था, भाग 9 में है, और अनुच्छेद कौन सा है तो अनुच्छेद क से अड़ के अंतर्गत है, जिसे ये 1992 होना चाहिए, यहाँ 1992 में होगा, तो जिसे 1992 में 73वें संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को कि एक बात एकदम कंफर्म हो जानी चाहिए आपकी कि 1992 में 73वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया है, इसे जोड़ा गया है 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। बात जरा कंफर्म करिएगा सारी चीज़ों को। पंचायती राज व्यवस्था भाग 9 में है। पूछा जाए पंचायती राज व्यवस्था किस भाग में है, भाग 9 में है। अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 243 क से लेकर अड़ तक के बीच में है। और सबसे बड़ी बात, किस संविधान संशोधन के तहत इसको लाया गया है, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे लाया गया है। और किस अनुसूची में जोड़ा गया है, तो याद रखिएगा 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। बातें एकदम क्लियर हो गई हैं, आगे बढ़ सकते हैं। पंचायती राज व्यवस्था हेतु बहुत सी समितियों का निर्माण समय समय पर हुआ था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बच्चा बलवंत राय मेहता समिति है, जिसे हम लोग देखेंगे। तो बलवंत राय मेहता समिति 1957, बलवंत राय मेहता समिति कौन सी, 1957 में आई। इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का सुझाव दिया था। तीन स्तर होने चाहिए पंचायती व्यवस्था के, कौन कौन सा, गांव स्तर के विकास के लिए ग्राम पंचायत की बात कही थी, खंड या ब्लॉक स्तर पर विकास के लिए पंचायत समिति की बात की थी, और जिला स्तर पर विकास के लिए जिला परिषद की बात की थी। ये तीन स्तर के पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हैं, कौन, बलवंत राय मेहता। सबसे पहले राजस्थान से इनकी बातें, सिफारिश जो थी वो स्वीकार की गई थी, और सबसे पहले राजस्थान विधानसभा में 1959 में, वेरी इंपॉर्टेंट डेट, पंचायती राज व्यवस्था का अधिनियम पारित हुआ। और 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की। समझने वाली बात सिर्फ इतनी है कि 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था नागौर जिले राजस्थान से क्या की गई, शुरू की गई। नागौर जिले राजस्थान से क्या की गई, शुरू की गई। पूरे देश में लागू नहीं हुई थी, राजस्थान से इसे क्या किया गया था, शुरू किया गया था। चलिए, शुरू करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। आइए दूसरी समिति की बात करें, अशोक मेहता समिति। इस समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। बलवंत राय मेहता ने कितने स्तर की समिति का सुझाव दिया था, त्रिस्तरीय। अशोक मेहता ने द्विस्तरीय सुझाव की बात की थी, और कब की थी, 1977 में। इन्होंने बताया था कि मंडल स्तर पर मंडल पंचायत होनी चाहिए, और जिला स्तर पर जिला परिषद होनी चाहिए। जिला स्तर पर क्या, जिला परिषद होनी चाहिए, अशोक मेहता समिति थी। आइए कुछ और समितियाँ हैं महत्वपूर्ण, जिन्हें हम देखते हैं। बात करें पीवीके राय समिति की, जो 1985 में आई थी। कौन सी समिति, 1985 की समिति है पीवीके राय समिति। यह चार स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव देते हैं, राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत, गांव स्तर पर ग्राम पंचायत। चार स्तरीय, पूछा जाए एग्जाम में, चार स्तरीय राज व्यवस्था की का सुझाव किसने दिया था, तो पीवीके राय समिति ने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंधवी समिति की बात कर लेते हैं। सिंधवी और थुंगन समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने संवैधानिक दर्जा दिलाया था पंचायती राज व्यवस्था को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए सिंधवी समिति की बात करें, सिंधवी समिति 1986 में आई और थुंगन समिति 1988 में आई, और दोनों की सिफारिशों पर 73वें संविधान संशोधन 1993 में जो लागू हुआ था, पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में स्थान दे दिया गया। पंचायती राज व्यवस्था को कहाँ स्थान दे दिया, संविधान में। अभी तक पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। से संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ, ये संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ बच्चा 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा। याद रखिएगा 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कार्य निर्धारण के लिए 29 विषयों को शामिल किया गया। कितने विषयों को शामिल किया गया है, 11वीं अनुसूची में पूछा जाए पंचायत से संबंधित कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित। इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ देख लेते हैं। स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्यवस्था यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। अच्छा, सर्वोत्तम व्याख्या इसकी क्या की जा सकती है, तो सर्वोत्तम व्याख्या क्या की जा सकती है कि यह एक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब है लोगों तक अधिकार, जागरूकता, सूचनाएं और सुविधाएं पहुंच जाएं, यही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। मतलब केंद्रीय शक्तियों का वितरण हो जाए,
जो शक्तियां हैं, जो सुविधाएं हैं, उनका वितरण क्या हो जाए, जन जन तक हो जाए, क्योंकि हमारे गांव के लोग मूल धारा से थोड़ा हट जाते हैं, उनको उनके संवैधानिक अधिकार के प्रति उन्हें एक तो पता भी नहीं होता है और पता होने के बाद वो उसका लाभ भी नहीं ले पाते हैं। तो उनको इस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था में आकर के, संवैधानिक व्यवस्था में आकर के जोड़ने का एक प्रयास है स्थानीय सुशासन। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के समय में। लॉर्ड मेयो के समय में सबसे पहली बार जनगणना शुरू हुई थी। हालांकि यह एक सुव्यवस्थित और नियमित जनगणना नहीं थी, लेकिन 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में यह शुरू हुई थी। 1881 से विधिवत जनगणना शुरू हो जाती है। किसके समय में? लॉर्ड रिपन के समय में। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में नियमित रूप से जनगणना शुरू होती है, याद रखिएगा इस बात को। 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में नियमित रूप से क्या हुई? जनगणना शुरू हुई थी। या ये बात बिल्कुल याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन के समय में जनगणना नियमित रूप से शुरू हुई 1881 से। 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी, लेकिन वह नियमित जनगणना नहीं थी। अगर पूछा जाए जनगणना कब शुरू हुई, पहली बार तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई, लेकिन नियमित रूप से कब शुरू हुई, तो 1881 में शुरू हुई, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। 1881 में शुरू हुई, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। इसीलिए 1880 से 84 के मध्य लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल है वो पंचायती राज व्यवस्था का स्वर्णकाल कहलाता है। पंचायती राज व्यवस्था का क्या कहलाता है? स्वर्णकाल। याद रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था का स्वर्णकाल किसे कहते हैं? लॉर्ड रिपन के समय को कहते हैं। पंचायती राज का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताता चल रहा हूँ। तो जैसे चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत है। 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत नगर प्रशासन को संविधान के भाग 9 क और अनुसूची 12 में जोड़ा गया था। याद रखिएगा, जो नगर प्रशासन है, अभी आप देख रहे थे कि ग्राम प्रशासन को भाग 9 में रखा गया है, वहीं पर देख रहे हो कि शहरी प्रशासन या नगर प्रशासन को भाग 9 क में रखा गया है। दूसरी बात, ग्राम प्रशासन की बातें अनुसूची 11 में की गई हैं, तो वहीं नगर प्रशासन की बातें कहाँ की गई हैं? अनुसूची 12 में की गई हैं। ये बात भी एकदम ध्यान में रखिएगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ अनुसूचियों की भी परिचर्चा हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि अनुसूची की यहाँ बात चल रही है, तो अनुसूचियों को हम लोग देख लेते हैं। पहली अनुसूची में क्या कहा गया है? तो पहली अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख मिलता है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों के वेतन भत्ते की बात की गई है। किसकी? पदाधिकारियों के वेतन भत्ते की बात की गई है। तीसरी अनुसूची में क्या है? तो तीसरी अनुसूची में पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। चौथी अनुसूची में क्या है? चौथी अनुसूची में राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। चौथी अनुसूची में राज्यों में राज्यसभा का क्या है? प्रतिनिधित्व है। पांचवी अनुसूची में बात करें तो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति का उल्लेख किया गया है। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख किया गया है। यदि बात करें हम लोग छठी अनुसूची की, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख है। याद रखिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों का क्या है? उल्लेख मिलता है। कहाँ पर मिलता है? छठी अनुसूची में मिलता है। यदि बात करें सातवीं अनुसूची की, तो सातवीं अनुसूची की बात करें तो केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों की बंटवारे की बात की गई है सातवीं अनुसूची में। वही संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची की जो बात की गई है वो सातवीं अनुसूची में की गई है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ें और अनुसूचियों को डिटेल में देख लेते हैं। ये देखिए, मैंने बता रहा था ना, सातवीं अनुसूची में तीन सूचियों को बनाया गया है। एक संघ सूची है, एक राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। संघ पर केंद्र का पूर्ण अधिकार होता है इस पर कानून बनाने का, राज्य में राज्य का। समवर्ती मतलब दोनों का अधिकार होता है, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों ही आवश्यकतानुसार कानून बना सकते हैं। यदि आप एक ही विषय पर अगर राज्य और संघ दोनों कानून बनाती हैं, तो संघ मतलब केंद्र द्वारा बनाया गया कानून मान्य किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं आठवीं अनुसूची में। यदि मैं आठवीं अनुसूची की बात करूं, तो इसमें भाषाओं की बात की गई है, और आठवीं अनुसूची के अनुसार संवैधानिक रूप से भारत की संवैधानिक कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। क्या है? 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाओं का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो भाषाओं का उल्लेख आठवीं अनुसूची में किया गया है। नवीं अनुसूची में क्या है? संपत्ति के अधिकार का अधिग्रहण है। संपत्ति के अधिकार का क्या? अधिग्रहण है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, यह एक कैसा अधिकार है? वैधानिक अधिकार है, लीगल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दसवीं अनुसूची की बात करते हैं। दसवीं अनुसूची में दल बदल प्रावधान का उल्लेख किया गया है। दल बदल मतलब पार्टी के विधायक, सांसद
जब अपना दल बदल कर दूसरे दल में जाते हैं तो उनके ऊपर यह कानून लगाया जा सकता है। उसकी कुछ सीमाएं हैं, उन सीमाओं की परिचर्चा हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। लेकिन दल बदल प्रावधान किस में परिचर्चा किया गया है, इसमें अनुसूची 10 में किया गया है। आगे बढ़ते हैं, 11वीं अनुसूची की बात करते हैं। अभी डिस्कस किया था पंचायती राज संस्थाओं या व्यवस्थाओं का उल्लेख कहाँ मिलता है, 11वीं अनुसूची मिलता है। वहीं 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्रों में सुशासन संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। अगर 12वीं अनुसूची की बात करें शहरी क्षेत्रों का शासन और 11वीं सूची पंचायती राज, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये सब 92 अधिनियम से लाए गए थे, 1993 में ये लागू हुए थे, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से मैंने चीज़ों को क्या कर दिया आपके सामने, पोस्टमार्टम कर दिया, एक एक करके चीज़ों को डिस्कस कर दिया। आशा करता हूँ सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना ध्यान रखिए, जुड़े रहिए चैनल से, नई नई वीडियोज और अति महत्वपूर्ण वीडियोज़ के लिए मैं आपसे जुड़ा रहता हूँ। ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को दूर दूर तक शेयर कीजिए। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं, टेक केयर, थैंक यू सो मच, नमस्कार।